गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज हम एक्सरसाइज 13.6 का पार्ट 16 क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सॉप डेली इन ए सिलिंड्रिकल ब्लो ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, ए सिलिंड्रिकल ब्लो है जिसका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस जो होता है D/2 होता है, तो डायमीटर जो है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। रेडियस अगर हमको निकालना रहेगा, 7/2 हम कर देंगे, यहाँ से जो है रेडियस निकल जाएगा। इफ द ब्लो इज डायमीटर विथ सोप ऑफ सॉरी टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये जो सोप है उसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मच सोप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्विंग 250 पेशेंट्स। इसमें देखो 250 पेशेंट डेली के हैं, ठीक है। अब हमको पहले निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग देखो, रेडियस गिवन है ना, डायमीटर है मीन्स रेडियस है, और यहाँ पे हाइट है, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल का फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, वहां से हमको फार्मूला मिल जाएगा, फिर हम पुट कर देंगे। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो, डायमीटर जो है वो कितना है, 7 है, तो रेडियस अगर हमको निकालना रहेगा तो हम 7/2 करेंगे, तभी तो रेडियस आएगा ना। हाँ, अब देखो हाइट, हाइट कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। अब ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सॉरी ब्लो है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। यहां तक भरा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक। ये जो है क्या, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर होता है, ये जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक। ये देखो सिलेंड्रिकल है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या सिलेंडर, ठीक। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 7/2 इंटू 7/2। एच की वैल्यू क्या है? 4। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 22 × 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 4, 7 × 2 = 15, 154 कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम निकालने हैं। वॉल्यूम जब हम निकालेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना है यहाँ पे 250 पेशेंट्स है ना, तो एक में इतना है, तो 250 में कितना होंगे, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब आंसर आ जाएगा, है ना, 154। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ द सोप फॉर 250 पेशेंट है, ठीक है। हम लोग अभी क्या निकाले, 154 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाले हैं, ठीक है। वो क्या था, वो एक पेशेंट, देखो 1 पेशेंट का कितना आया, 154 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो हमको 250 पेशेंट का निकालना है। तो 250 पेशेंट का जब हम निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? देखो एक पेशेंट में इतना सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, ठीक है। अब 250 का कितना होगा, इतने का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तभी तो आएगा ना। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, इतना आएगा है ना। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, अब सेंटीमीटर क्यूब एक लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। अब ये क्यूब में दिया हुआ है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड जब हम करेंगे है ना, कितना आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ये जाएगा 38.5 है ना, ये लीटर में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 150% जो है इतने लीटर में कन्वर्ट है। देखो 380. इतना लीटर है, ठीक है, ब्लो रहेगा इतना सोप का जो रहेगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सोप फॉर 250% का कितना आएगा, 38.5 लीटर आएगा। क्लियर, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, थैंक यू फ्रेंड।